हेलो एवरीवन, आई हरमीत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉग टॉपिक्स रिलेटेड कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं या फिर आप एसईओ कर रहे हैं उसके लिए आपको ब्लॉग लिखने हैं तो टॉपिक रिसर्च कैसे करें, कैसे चूज करें कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर अगर हम ब्लॉग लिखेंगे तो वो वायरल हो जाएंगे, हमें अच्छे व्यूज मिलेंगे, हैंस हमें अच्छे एड रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और काफ़ी सारे मैं आपको कुछ अनरिवील्ड टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका यूज़ करके आप ट्रेंडी और वायरल होने वाला कॉन्टेंट जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज के टाइम में ब्लॉगिंग हर कोई करना चाहता है बट कई बार हम जो ब्लॉग लिखते हैं उन पर व्यूज नहीं आते, लोग उनको देखते नहीं हैं, हेंस हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रुक जाती है। तो ऐसे में अगर हम ऐसे टॉपिक चूज करते हैं जो कि ऑलरेडी जिनके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं और जिन पर कॉन्टेंट गैप है। अब कॉन्टेंट गैप क्या होता है तो पहले तो इसको समझते हैं। कॉन्टेंट गैप का मतलब होता है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स, ऐसे कुछ नीश जिसके अंदर जो व्यूअर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं वो तो काफी ज्यादा हैं, उस टॉपिक के बारे में जो जानना चाहते हैं वो बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्रिएटर्स कम है, यानी ब्लॉग जो अवेलेबल है उस टॉपिक पर, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफी कम है। तो कॉन्टेंट गैप को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे पहले, तो इससे पहले हम टॉपिक रिसर्च की बात करें, सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉग लिखने से पहले आपको पहले पता होनी चाहिए। पहली चीज, स्टिक टू योर नीश। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिसको आपको टारगेट करना है, अब चाहे आप एसईओ के लिए कर रहे हो या जनरल ब्लॉगिंग आप कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, अपने ब्लॉग्स लिखने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉग लिख रही हूँ और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो है जो कि एसईओ के बारे में जानना चाहती है, तो इवेंचुअली मैं एसईओ या फिर एसईओ से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पर मैं ब्लॉग लिखूंगी, ठीक है। लेकिन अभी सडनली मुझे पता चलता है कि यार एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल एथिकल हैकिंग। जैसे एथिकल हैकिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा तो मैंने क्या किया, एक दो टॉपिक एथिकल हैकिंग के बना लिए और एक दो ब्लॉग उस पर लिख लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अरे यार ये ब्लॉग मेरा रैंक करेगा, ये वायरल हो जाएगा। बट अगर हम मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर ही बेस अच्छा है और कुछ लोग चलो उस ब्लॉग पर चले गए तो समझ में आता है, बट गूगल के केस में ये चीज़ आपके अगेंस्ट काम करेगी क्योंकि गूगल की जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट थी जो कि 2022 में आई थी, उसमें गूगल ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको उन्हीं टॉपिक्स पर बात करनी है जिसके बारे में आपका पूरा ब्लॉग है, जिसके बारे में आपकी जो टारगेट ऑडियंस देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ट्रेंड में आ गई तो आप उस पर वीडियो बनाने लग गए, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पर फोकस करके और फिर ही कॉन्टेंट बनाना है। बट हाँ, एसईओ में कोई चीज ट्रेंड पर आई, जैसे एसईओ में AI, तो AI पर आपने वीडियो बना दिया बट उसको लिंक आपको एसईओ से करना है। उसी के साथ में जैसे मान लीजिए ChatGPT पर आपने वीडियो बना दी क्योंकि वो अभी एसईओ के फील्ड में काफी ट्रेंडिंग पर चल रहा है। उसके अलावा जैसे आपने यूट्यूब एसईओ की बात कर ली, लोकल एसईओ की बात कर ली, लोकल एसईओ में गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात कर ली, बट आपको जो इन एंड अराउंड वो एसईओ के रहना है, क्यों, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस है। फिर आप धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को ब्रॉड कर सकते हो, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पे आ सकते हो, बट एसईओ से सीधा एथिकल हैकिंग दैट वुड बी कहीं ना कहीं मिसगाइड करेगी आपकी ऑडियंस को, तो ये चीज नहीं करनी है। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WsCube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम टॉपिक रिसर्च की। तो आप टॉपिक रिसर्च करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। तो जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं बट टॉपिक्स सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। टॉपिक्स हमारे पास निकल गए, फिर हम उसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं, हम उस पर एनालिसिस और कर सकते हैं कि वो कौन से टॉपिक होंगे। तो इस पर्टिकुलर टूल का नाम है आंसर द पब्लिक। अब आंसर द पब्लिक, ये एक साइट मिल जाएगी answerthepublic.com, अभी इसको जो है नील पटेल ने ही एक्वायर कर लिया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको ना अपना टॉपिक डालना है या फिर वो चीज डालनी है जिसके बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो या जिसके बारे में आप जो आपका जो नीश है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक टॉपिक डालती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस भी कंट्री के लिए मेनली आप कंटेंट लिख रहे हो
वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इंडिया चूज कर लिया, यहाँ पर आपने लैंग्वेज चूज कर लेनी है। फिर जब आप सर्च करोगे तो ये आपको एसईओ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं गूगल पर या और प्लेटफॉर्म्स पर, वो यहाँ पर बता देगा। जैसे आप देख सकते हो जो यहाँ पर सबसे जो डार्क वाले आ रहे हैं दैट आर हाईली सर्च्ड, जो इस तरह से मीडियम कलर में आ रहे हैं एवरेज सर्च एंड लोएस्ट सर्च, तो हमें हाईली सर्च्ड ही देखने हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये देखो हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क, हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज डज, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्थ इट, ऑप्टिमाइजेशन फ्री, इजी, गुड करियर, समथिंग लाइक दैट। अभी इसको हम क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। अब क्या करो, जैसे एसईओ से रिलेटेड है तो हम टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैकलिंक्स लिख लिए, ठीक है। ये देखिए जैसे बैकलिंक से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कैन बैकलिंक्स हर्ट योर साइट, है ना, ये टॉपिक मिल गया। अब ये इसके आगे क्या है, ये थोड़ा सा डार्क नंबर है, तो मतलब इट इज हाईली सर्च, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। हाउ कैन बैकलिंक्स बी इम्प्रूव्ड, कैन यू बाय बैकलिंक्स, ये देखो यहाँ पे कई टॉपिक आपको मिल रहे हैं। हाउ बैकलिंक्स वर्क, हाउ बैकलिंक्स आर क्रिएटेड, यहाँ पर देखो आर बैकलिंक्स स्टिल इम्पोर्टेंट इन 2023। तो यहाँ से आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन पर आप काफी सारे ब्लॉग्स बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और साइट बताने वाली हूँ और उस साइट का नाम है alltop.com। तो alltop.com आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने साइट ओपन कर ली है। अब इस साइट में होता यह है कि ये आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो टॉप सर्च्ड ब्लॉग्स हैं या साइट्स हैं उनके बारे में आपको बताती है। जब हम एसईओ के लिए बैकलिंक्स बनाते हैं तो इस साइट का आपने डेफिनेटली यूज किया होगा। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी सारे नीशेस मिल जाएंगे, आपको क्या करना है, अपने रिलेटेड नीशेस में जाना है। जैसे एंटरटेनमेंट के अंदर आप मूवीज में, सोशल मीडिया पर, गेमिंग में जा सकते हो, लाइफस्टाइल में, ट्रैवल, हेल्थ, फिटनेस। तो जैसे मान लो अगर आपको लेट्स से फिटनेस रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख रहे हो, फिटनेस वाली हम कैटेगरी में चले गए। अब फिटनेस रिलेटेड जो पॉपुलर स्टोरीज हैं, पॉपुलर जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें से जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे जो ट्विटर पर पॉपुलर हो रही हैं, जो उसी के साथ में हमारे कुछ साइट्स हैं जो पॉपुलर हो रही हैं, और उनके टॉपिक्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ये यहाँ से आपको काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बर्न द मोस्ट फैट, बिल्ड मोस्ट मसल, फॉर द लव फूड, 5x5 वर्कआउट एक्सप्लेन। अब ये क्या होता है आपको भी नहीं पता, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, और इसके बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है हेल्थ पर तभी ब्लॉग लिख रहे होगे जब इन चीजों के बारे में जानते हो, तो इनको ओपन करके आप पढ़ सकते हो इन सारे टॉपिक्स पर, और इनसे रिलेटेड ब्लॉग्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं जिन पर कंटेंट गैप आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा पॉपुलर चल रहे हैं। उसी के साथ में जैसे मैं टेक वाले ऑप्शन में चली जाती हूँ, तो टेक से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको कई चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो AI इज नॉट अ हाइप, दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अभी ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसको बोला जा रहा है, तो ये क्या है, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। इसको अब आप थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख सकते हो कि भाई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज AI, तो क्या इम्पैक्ट डालेगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे 10 AI टूल्स, 10 AI कंटेंट जनरेटर, 10-11 AI। अभी आप देखोगे तो मोस्टली AI रिलेटेड बातें हो रही हैं, बट उसके अलावा भी काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये इस टॉपिक से, इस वेबसाइट से आप कुछ जो है आइडियाज ले सकते हो। उसी के साथ ही आप सभी ने ही semrush.com के बारे में सुना होगा। ये एक SEO SEM रिसर्च टूल है। अगर आप ऑलरेडी SEO फील्ड से हैं तब तो आप डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो सिंपली आपको semrush.com पर जाना है, semrush.com। अब यहाँ पर जाने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे, नॉर्मली आपकी gmail ID से लॉगिन कर लेना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आप देखोगे ना कीवर्ड रिसर्च आएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको ब्लॉग टॉपिक सर्च के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में, ठीक है। अब कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद आपको ना एक रूट कीवर्ड डालना है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप SEO के बारे में लिख रहे हैं, तो SEO को जैसे कुछ मेजर पार्ट जैसे हो गए, ऑन पेज SEO हो गया, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको, मतलब बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लिख लेती हूँ, जैसे कि SEO, ठीक है, मैंने SEO लिख लिया।
और यहाँ पर जो है आपको आपकी टारगेट लोकेशन जो है या फिर कंट्री जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, सर्च आपको करना है। अब यहाँ पर डोंट वरी, हम कीवर्ड रिसर्च करने के लिए नहीं आए, हम आइडियाज देने के लिए आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको क्लिक करना है क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम रिलेटेड पर आ जाएंगे, रिलेटेड में हमें काफी सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। अभी हमें 118 कीवर्ड्स आइडियाज मिल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इन सब का एनालिसिस करना है। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दो चीजें आ रही होंगी, देखो ये तो है कीवर्ड्स, ये टॉपिक्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ये आ रही है वॉल्यूम, मतलब ऑन एन एवरेज मंथली कितने सर्चेस हो रहे हैं इसके, और यहाँ पर आ रहा है केडी। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो तो गूगल पर दिखने में एज कंपेरेटिवली कितना टाइम लगेगा, यानी कितनी आपको मेहनत लगेगी, दैट इज कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक नई वेबसाइट है, नए आप ब्लॉगर हो, तो आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए जिन पर कम जो है आपको केडी मिले, जिससे कि आपका जो ब्लॉग्स हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसकी सॉर्टिंग कर रही हूँ, मतलब केडी पर मैंने क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पर किया कि केडी जो है मेरे को कम केडी वाले पहले मिले, ठीक है, और जो ज्यादा केडी वाले हैं वो जैसे नीचे चले जाए, मतलब सॉर्टिंग हो गई। अब यहाँ पर जैसे आप एक टारगेट रख सकते हो, तो अब यहाँ पर आप देखोगे ये ग्रीन का मतलब होता है लो केडी, यानी कम केडी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ। अब इस पर ऑब्वियसली बात है, हम ब्लॉग तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये तो एक छोटा सा टॉपिक हो गया, आप शॉर्ट्स वगैरह में इसको यूज कर सकते हो या कुछ वेब स्टोरी में यूज कर सकते हो, बट आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, यहाँ पर कुछ और टॉपिक देख पाओगे। अब जरूरी नहीं है सारे आपको काम के मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, जैसे कि व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन गूगल, ठीक है, हाउ टू बिल्ड अ सर्च इंजन फॉर योर वेबसाइट, हाउ टू लर्न सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, जैसे ये टॉपिक्स हो गए। अब इसको क्या करूं, जैसे एसईओ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा टॉपिक वाइज कर देती हूँ, जैसे कि अगेन बैकलिंक्स कर दिया मैंने, जैसे हमने वहां पर सर्च किया था, ये किया, सेम हम यहाँ पर आ गए। अब देखो हाउ टू गेट हाई पीआर बैकलिंक, अब ये जो टॉपिक है ना, इस पर वॉल्यूम कम है थोड़ा, बट केडी भी कम है। उसके अलावा व्हाट इज अ बैकलिंक प्रोफाइल, तो इस पर आप टॉपिक बना सकते हो, एक आइडिया आपको मिल गया। हाउ टू गेट ईडीयू लिंक्स, ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया क्योंकि इस पर केडी कम है, ठीक है। उसके साथ में व्हाई बैकलिंक्स आर इम्पोर्टेंट, ये कुछ हो गया, बट इस पर केडी कंपेरेटिवली हाई हो गया। तो ऐसे अब आपको क्या करते जाना है, यहाँ पर कीवर्ड डालते जाना है और कुछ ना कुछ सर्च करते जाना है। जैसे और मैं आपको आइडियाज दे देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, सर्च किया, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि सेलेक्ट द वेज यू थिंक एनालिटिक्स कैन हेल्प बिजनेस ओनर्स, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है, थोड़ा सा नैरो टॉपिक है, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब जैसे मैंने एक टॉपिक डाला जैसे गूगल एल्गोरिथम, ठीक है, ये करने के बाद में वापस हमने सर्च किया तो यहाँ पर आपको टॉपिक मिल गया। अब इनमें से जरूरी नहीं सारे काम के होंगे, बट आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, जैसे कि व्हाट टेक्नोलॉजी डू सर्च इंजिंस यूज टू क्रॉल वेबसाइट, अब ये टॉपिक हो गया थोड़ा टेक रिलेटेड, थोड़ा सा एसईओ रिलेटेड। अब इस पर 1.6K एवरेज मंथली ट्रैफिक है और इसका केडी बहुत कम है, तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया, चलो भाई इस पर ब्लॉग लिखते हैं। उसके अलावा हाउ टू चीट गूगल एसईओ, ये एक टॉपिक हो गया, देखो कम केडी है इस पर बट वॉल्यूम भी कम है ऑफ कोर्स। उसी के साथ ही आपको कुछ और टॉपिक मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा, बट ये भी एक अच्छा टूल है टू डू द ब्लॉग टॉपिक रिसर्च। इसके साथ में एक और टूल है जिसका आप यूज कर सकते हो, और उस टूल का नाम है हमारा अपना कोरा। Quora.com पर आपको जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद में आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, जैसे मान लो मैंने अगेन यहाँ पर बैकलिंक्स दिखा, टॉपिक मैंने SEO बैकलिंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, वैसे कोरा की ही आपको WsCube Tech पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप उसमें भी जो है एकदम डिटेल में जाके कोरा का कोर्स देख सकते हैं, कोरा सीख सकते हैं, कोरा को मोनिटाइज कर सकते हैं। बट एक वहां पर मैं आपको रूल बताती हूँ, आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जिसमें जिसके जो आंसर्स हो टोटल वो हो कम, और उस पर जो फॉलोज हो या फिर उस पर जो व्यूज हो वो ज्यादा हो। अब जैसे ये वाला हमारा एक क्वेश्चन है, 3 फॉलोज हैं, और अगर मैं इसके व्यूज देखूं, ये 3 डॉट्स पर क्लिक करके क्वेश्चन लॉग पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्यूज पता चल जाएंगे, और इस पर टोटल क्वेश्चन आंसर्स कितने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन पे, वो दिए हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 7 आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको उठाने हैं जिन पर आंसर्स जो टोटल आंसर्स हो, मतलब ऑलरेडी आंसर्स दे चुके हैं वो हो कम, और एज वेल एज व्यूज ज्यादा हो और फॉलोअर्स ज्यादा हो।
तो ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा। उसी के साथ में जब आप ये टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो टॉपिक के नीचे कुछ ना ऐसे फीचर्ड आर्टिकल्स होते हैं, या फिर आप कह लीजिए इनको ये आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं या फिर ऐसे आंसर्स हैं जो काफी ज्यादा लोगों ने पढ़े हैं, तो ये भी आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे हाई क्वालिटी बैकलिंक, विल आई गेट सक्सेस इफ आई बाय बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक। अब देखो हमने वहां पर भी देखा था प्रोफाइल बैकलिंक क्या होता है, तो इस पर आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं। अच्छा बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफाइल बैकलिंक पर हम एक वीडियो बनाए तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ। उसी के साथ में आपको काफी सारे बैकलिंक रिलेटेड यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप काफी सारे सजेशन ले सकते हो। उसी के साथ में नेक्स्ट टूल जो कि आप ब्लॉग्स के टॉपिक एनालिसिस करने के लिए ले सकते हो वो है गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल ट्रेंड जो है यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। आप यहाँ पर कोई टॉपिक सर्च करोगे तो उसके बारे में भी आपको ट्रेंड का एनालिसिस दे देगा, बट उसी के साथ में आप यहाँ पर दो टॉपिक्स को कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ प्रोफाइल बैकलिंक्स, तो इसको मैं 12 मंथ्स का डेटा यहाँ पे कर लेती हूँ और वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका ट्रेंड कुछ इस तरह से रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका ट्रेंड रहा है। अब इसको मैं अगर कंपेयर करती हूँ जैसे लेट्स से जैसे टीयर टू बैकलिंक से, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप इसका कंपेरिजन देख सकते हो। मतलब प्रोफाइल बैकलिंक पर पहली चीज तो थोड़े से सर्चेस भी ज्यादा है, ट्रेंड भी इसका अपवर्ड है, मतलब लोग इसके बारे में सर्च करेंगे आगे फ्यूचर में भी एज कम्पेयर टू टीयर टू बैकलिंक्स, ठीक है। और इसको आपको कंपेयर करना है तो जैसे मैं इसको कर लेती हूँ कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक्स से, ठीक है, ये सर्च कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको और डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे मिल गया। तो अगर मेरे को अगर रिसर्च करनी है, अगर मेरे को ब्लॉग लिखना है तो प्रोफाइल बैकलिंक पे मैं बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा रीच मिलने के चांसेस हैं, उसके बाद में कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक पे बना सकते हैं, टीयर टू को इतना ज्यादा सर्च नहीं किया गया है। तो यहां से आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस मिल जाता है कि अगर दो टॉपिक्स में मुझे चूज करना है तो उनमें से मैं किस पर जो है टॉपिक पर ब्लॉग हम लिखें। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका यूज करके आप अपने ब्लॉग्स के लिए टॉपिक रिसर्च कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपने जो भी सीखा उसको आप डेफिनेटली अप्लाई करेंगे और काफी अच्छे ब्लॉग्स आप लिखेंगे, अब चाहे आप एसईओ के लिए लिख रहे हैं या जनरल ब्लॉगिंग के लिए लिख रहे हैं। सो इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स आप चाहते हैं, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं आपके लिए, क्या और सीखना आप चाहोगे, तो डेफिनेटली हमें बताइएगा क्योंकि हम आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक कीप लर्निंग।